कुछ साल पहले टेबल के कोने से मेरा पैर टकरा गया। अब चप्पल नहीं पहनी थी तो जो जोरों की चोट लगी है उंगलियों में, उफ, आज भी सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ही देर में उंगलियां बिल्कुल नीली पीली पड़ गई, भयानक सूज गई। दर्द तो इतना था कि क्या बताऊं। मैंने सोचा कि सिकाई कर लेते हैं, आराम मिलेगा। मैंने हॉट वाटर बैग गर्म किया और सिकाई करना शुरू कर दी। अब ये सुनकर आप में से कई समझदार लोग मुझ पर हंस रहे होंगे, पर उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह की चोट पर ठंडी सिकाई करनी चाहिए और किस पर गर्म। मैंने हमेशा मम्मी पापा को कमर दर्द, पीठ के दर्द, यानी कभी भी दर्द हो तो उस पर गर्म सिकाई करते हुए देखा था। अब मुझे लगा कि इस चोट के दर्द को कम करने में भी गर्म सिकाई मदद करेगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। कुछ घंटों बाद देखा तो उंगलियों में ब्लड क्लॉट हो गया था, यानी खून के थक्के अंदर जम गए थे, नीली बढ़ गई थी उंगलियां। जब डॉक्टर को बताया तो उसका भी सबसे पहला सवाल यही था कि गर्म सिकाई क्यों की। खैर, इसके बाद सबक मिल गया मुझे। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की चोट पर कौन सी सिकाई करनी है, कैसे करनी है और कब तक करनी है, क्योंकि गलत सिकाई करने से दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। तो सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। ठंडी सिकाई हम जब भी कहीं पे लगाते हैं, थोड़ी देर तक वहां पे खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और फिर तेजी से खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हमारा पंपिंग एक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जिस चीजों से दर्द बन रहा होता है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो सारा सबसाइड हो जाता है, पेन आपका ड्रेन हो जाता है, अगर आप सिंपल शब्दों में बात करें। आपको कोई एक्यूट इंजरी हुई है, आप चलते चलते गिर गए, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फुटबॉलर है, चलते चलते एकदम नी इंजरी आ गई, भागते भागते एकदम से एंकल ट्विस्ट हो गया, या मैं बैठी हूँ और बैठते बैठते मैंने एकदम गर्दन को साइड में झुकाया और मेरी गर्दन स्प्रेन हो गई या स्ट्रेन हो गया, गर्दन में स्ट्रेन आ गया। सो इन सब केसेस में जहाँ पे एक्यूट फॉर्म में सडनली एकदम से दर्द चालू हो गया तो हम ठंडी सिकाई करेंगे। मेरा कोई जोड़ है जहाँ पे जो बिल्कुल ठीक था रात तक और सुबह उसमें एकदम सूजन है, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ पानी सा भर गया है, या वो छूने में गर्म लग रहा है हमें, तब भी हम ठंडी सिकाई करेंगे। ठंडी सिकाई कब तक करें? 48 से 72 घंटे तक हमें ठंडी सिकाई करनी चाहिए। और कितनी बार करनी चाहिए? 3 से 4 घंटे में हर बार हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडी सिकाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी होते हैं, हम इतनी बार नहीं कर सकते, तो कम से कम दिन में 3-4 बार आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए 10 से 15 मिनट के लिए। इस तरीके से आप ठंडी सिकाई जब करते हैं बार बार उस इंजर्ड रीजन पे, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कम होती है एंड ग्रेजुअली 3-4 दिन के बाद आप गर्म सिकाई की तरफ जा सकते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे पर्सनली मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अभी ठंडी सिकाई ज्यादा करना है, मानो कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कंधे का कोई लिगामेंट टूटा है या कंधे की कोई मसल टूटी है या घुटने का कोई लिगामेंट टूटा है, तो वहां पे हम जल्दी से हॉट पैक पे आने के लिए नहीं बोलते हैं जब तक कोई इंजरी कंप्लीटली हील नहीं हो जाती, या फिर सर्जरी हुई है आपकी, कोई आपके लिगामेंट को रिपेयर किया गया है, या आपका रिप्लेसमेंट हुआ है, या और कोई सर्जरी हुई है, या स्पाइन सर्जरी हुई है, सो वो जॉइंट्स भी आपके बहुत एक्यूटली इन्फ्लेम्ड होते हैं, वो एरिया एकदम आपका वार्म्थ होती है, वहां पे इन्फ्लेमेशन रेट हाई होता है, सो उन केसेस में भी आप ठंडी सिकाई ही यूज करें। तो जब भी हमें मसल टाइटनेस होती है, या जब भी हमें मसल सोरनेस होती है, या हमें जॉइंट स्टिफनेस होती है, या फिर हमारा कोई पेन बहुत क्रॉनिक है जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, जैसे बहुत बार पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैं जब रात में सोता हूँ और सुबह उठता हूँ तो मेरी कमर एकदम जकड़ी हुई रहती है, या गर्दन जकड़ी हुई रहती है, या फिर एकदम से हिप्स में या बैक ऑफ थाइम में पेन आ रहा है, हैमस्ट्रिंग या भागने के बाद एकदम से काफ मसल सोर हो जाती है, तो उन केसेस में हम गर्म सिकाई इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गर्म सिकाई करने के लिए भी हमें कम से कम दिन में 2 बार गर्म सिकाई करनी चाहिए, जो 10 से 15 मिनट आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। अब गर्म सिकाई 2 तरीके से होती है, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, बट अगर आप घर में मॉइस्ट हीट पैक करना चाहते हैं तो आप गर्म पानी में टॉवल डिप करके, जब अच्छे से टॉवल गर्म हो जाएगा तो आप उसको अपनी बैक पे, नेक पे, जो भी आपका अफेक्टेड एरिया है वहां पे 15-20 मिनट तक लगा सकते हैं। एंड मॉइस्ट हीट का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बिकॉज ये आपके पोर्स को एक्टिवेट करता है एंड मसल रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है।
मानो किसी को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है, जो फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो गया है, उन केसेस में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग गर्म पानी की सिकाई करते हैं। तो अगर हम समझे तो ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, मतलब अंदर ऑलरेडी सूजन है, जॉइंट जकड़ा हुआ है, और उस केस में अगर हम गर्म पानी की सिकाई कर देते हैं तो ये सूजन भी बढ़ जाती है और दर्द भी बढ़ जाता है। सो अगर इनको, अगर जहाँ ठंडा यूज करना है वहां आप गर्म इस्तेमाल कर देंगे तो आपका दर्द, सूजन और पेन रिएक्टिव फोर्सेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। कौन सी चोट पर कौन सी सिकाई करनी है समझ गए? अगली बार इन बातों का ध्यान रखिएगा, मेरा वाला हाल नहीं होगा और चोट भी जल्दी ठीक होगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर कोई जानवर काट ले तो क्या करना चाहिए? क्या आपको कभी किसी जानवर ने काटा है? नहीं तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, किसी जानवर के काटने पर आपको क्या करना चाहिए, इस चीज की मालूमात होना जरूरी है ताकि इमरजेंसी में ये जानकारी आपके काम आ सके। डॉक्टर आभा मंगल बताती हैं कि अगर आप किसी भी संक्रमित जानवर के संपर्क में आए हैं, उसने आपको काटा है, तो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन या फिर ARV का 5 डोज का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगवाइए। ये 0 दिन, मतलब जिस दिन जानवर ने काटा है उस दिन लगता है, उसके बाद 3rd दिन, फिर 7वें दिन, 14वें दिन और फिर 28वें दिन लगता है। घाव हुआ है तो बहते हुए पानी के नीचे 15 मिनट तक उस घाव को धोइए। 70% वाले अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट से इसे क्लीन करना चाहिए या फिर पोविडोन आयोडीन सॉल्यूशन से इसको धोना चाहिए। घाव के ऊपर लाल मिर्च या फिर कोई और घरेलू नुस्खे की चीज मत लगाइएगा। घर पर किसी भी तरह की ड्रेसिंग या टाके मत करिए, जल्दी से जल्दी किसी डॉक्टर को दिखाइए, समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जाने अगर आप हेल्दी तरीके से वजन घटाना चाहते हैं तो मेथी के दाने आपके कैसे काम आ सकते हैं। अगर आप ये वजन बढ़ने से परेशान हैं, घर के काम और ऑफिस के चक्कर में एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के लिए डाइटिशियन मैक सिंह का ये घरेलू नुस्खा बेहद मददगार साबित हो सकता है। मैक सिंह के मुताबिक वजन घटाने के लिए मेथी के दाने एक बेहतरीन विकल्प हैं। इसके लिए आप रात भर 1 से 2 छोटे चम्मच मेथी के दाने 1 कप पानी में भिगो कर रखें। सुबह खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबाएं। दरअसल मेथी आयरन, मैग्नीशियम के साथ साथ फाइबर और गैलेक्टोमेलन से भी भरपूर होती है, जिससे आपको जल्दी भूख नहीं लगती और वेट लॉस करने में मदद मिलती है। यही नहीं, मेथी के दाने ब्लड शुगर भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं, साथ ही शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बैलेंस करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही मेथी शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी, मैंगनीज जैसे मिनरल्स की भी पूर्ति करती है। मेथी पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है और महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द से भी राहत देती है। लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ये टिप आपके लिए नहीं है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी कि ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, करेंगे आपसे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में देखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक, मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा, तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त, शुक्रिया।